नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के शेगांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर बताया कि भारत जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 70 दिन पहले से यात्रा की शुरुआत समुद्र किनारे हुई थी। हर रोज 25 किलोमीटर यात्रा चलती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और अब महाराष्ट्र। विपक्ष के लोगों ने सवाल पूछा था कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या फायदा है इस यात्रा से। राहुल ने कहा कि देश के कोने कोने में आज बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी है, डर फैला दिया है। जहां भी आप देखेंगे आपको डर, नफरत और हिंसा दिखेगी। ये यात्रा इस डर के खिलाफ है। राहुल ने कहा कि यात्रा का लक्ष्य मन की बात रखने का नहीं है, आपकी बात को सुनने का है, दर्द को समझने का है। राहुल ने कहा कि नफरत से इस देश को कभी फायदा नहीं होगा। राहुल ने कहा कि अगर सत्ता में बैठे लोग इन सड़कों पर चलते तो 5 मिनट में उन्हें ये बात समझ आ जाती कि किसान, युवा और आम आदमी क्या चाहता है, उसको किस बात की परेशानी है। महाराष्ट्र के शेगांव में आज राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा यह जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज की है। उन्होंने ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर समेत कई पुरुषों के नाम लिए और कहा यह जमीन उनकी है और इनमें से किसी ने कभी नहीं कहा था कि नफरत और हिंसा फैलाओ। सबने प्यार की बात की, सबने लोगों को जोड़ने की बात की, वही यात्रा कर रही है। राहुल ने कहा कि शिवाजी महाराज जी महाराष्ट्र की आवाज़ थे, हम उनको याद करते हैं क्योंकि शिवाजी महाराज ने कहा और आपके सब महापुरुषों ने कहा, वही काम यात्रा कर रही है। बता दें, राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही सावरकर के अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने पर निशाना साधा था और उनकी चिट्ठी पढ़ते हुए कहा था कि सावरकर ने अंग्रेज़ों से कहा था कि मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहता हूँ। इसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई। हालांकि आज राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज समेत बाकी महापुरुषों का नाम लेकर महाराष्ट्र की जनता को ये बताने की कोशिश की कि उनकी आवाज़ ये महापुरुष थे और वो उनका सम्मान करते हैं। ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्र को एक और एक्सटेंशन दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही बेंच से आज जस्टिस संजय किशन कौल ने खुद को अलग कर लिया। जस्टिस कौल ने कहा, इस मामले को किसी और बेंच के समक्ष लिस्ट होने दिया जाए, याचिकाकर्ताओं ने अर्जेंसी का हवाला दिया है, इस मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष आदेश के लिए पेश किया जाए, मैं इस केस पर और सुनवाई नहीं कर सकता हूं। बता दें, केंद्र सरकार ने गुरुवार को जांच एजेंसी ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया और अब इस पद पर 18 नवंबर 2023 तक वो रहेंगे और तब वो ईडी प्रमुख के पद पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। संजय कुमार मिश्रा को मई 2020 में रिटायर होना था। साल 2020 में संजय कुमार मिश्रा ऐसे पहले शख्स थे ईडी प्रमुख रहते हुए जिनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था। साल 2021 में उन्हें दूसरा कार्यकाल विस्तार देने से पहले केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाने के संबंध में नियमों में संशोधन कर शासनादेश जारी किया। इससे पहले केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल का होता था, लेकिन इस संशोधन के बाद वो अपने पद पर 5 साल तक बने रह सकते हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर जयराज ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोहित्रा, साकेत गोखले, विनीत नारायण और वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कानून 2021 को चुनौती दी है, जिसके तहत ईडी के निदेशक को 5 साल तक का सेवा विस्तार दिए जाने का प्रावधान किया गया है। शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि जेल में रहने के दौरान उनका 10 किलो वजन गिर गया। संजय राउत ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि उन्हें जेल की अंडा सेल में रखा गया था और वो 15 दिन तक सूरज की किरण नहीं देख सके थे और इस वजह से बीमार भी हो गए। राउत ने कहा कि जेल में 1 घंटे तक रहना भी 100 दिन के बराबर होता है। संजय राउत ने एनडीटीवी से कहा कि अंडा सेल में जब आपको रखा जाता है तो आप लोगों से बात नहीं कर सकते और आपको बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जेल में हर वक्त फ्लड लाइट्स जली होती हैं और इसका असर उनकी आंखों पर पड़ा है और उन्हें पढ़ने और देखने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने बताया कि सुनने और बात करने में भी उन्हें परेशानी हो रही है। राउत को ईडी ने पात्रा चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मामले में कथित रूप से हुई वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर इस साल जुलाई में गिरफ्तार कर लिया था और वो 9 नवंबर को जेल से बाहर आए हैं। वो लगभग 100 दिन तक जेल में रहे। संजय राउत को जमानत देने वाली पीएमएलए कोर्ट ने अपने आदेश में जांच एजेंसी ईडी को फटकार लगाई थी। विशेष जज एमजी देशपांडे ने कहा था कि राज्यसभा सांसद संजय राउत को इस मामले में बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया। विशेष जज ने कहा था कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पार्टी में टूट को लेकर कहा कि पार्टी के जरूर 2 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव में जब हमारे पास शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह भी नहीं था, फिर भी 70,000 लोगों ने हमें नए चुनाव चिन्ह पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट चुनाव लड़ते तो हम 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतते। अंधेरी ईस्ट सीट से
उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके को जीत मिली थी। बीजेपी शिंदे गुट ने यहां से पहले उम्मीदवार उतारने का विचार बनाया था, लेकिन बाद में प्रत्याशी का नाम वापस लेने का फैसला किया था। राउत ने कहा कि कुछ लोग महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करना चाहते थे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता बालासाहेब ठाकरे और उनके परिवार के साथ खड़ी रहेगी। सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नौलखा को तालोजा जेल से घर में शिफ्ट कर नजरबंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया है कि गौतम नौलखा को तालोजा जेल से नवी मुंबई शिफ्ट करने के बाद 24 घंटे के भीतर घर में नजरबंद किया जाए। बता दें, एल्गार परिषद माओवादियों से जुड़े मामले में गौतम नौलखा जेल में बंद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को उनको जेल में रखने के बजाय घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया था। हालांकि एनआईए ने इसका विरोध करते हुए इस फैसले को चुनौती दी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। एनआईए ने कहा था कि गौतम नौलखा के माओवादियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी भरा खत मिला है। खत ने मध्य प्रदेश पुलिस की नींद उड़ा दी है, वो पड़ताल में जुट गई है। उधर कांग्रेस ने कहा है, पूरा मामला बेहद गंभीर है, राज्य और केंद्र सरकार को मसले का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। हाथ से लिखे इस पत्र में 1984 के दंगों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कांग्रेस के नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया गया। पूरा पत्र हिंदी में है, अंकों को अंग्रेजी में लिखे जाने की बजाय हिंदी में लिखा गया है। खत में किसी ज्ञान सिंह का नाम दिया गया है, फोन नंबर दिए गए हैं, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाई गई है। खत में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी के साथ इंदौर में सिलसिलेवार बम धमाके कराने की बात भी कही गई है। कहा गया है, नवंबर माह के आखिर में इंदौर में जगह जगह बम ब्लास्ट किए जाएंगे। राहुल गांधी को उनके पिता राजीव गांधी के पास पहुंचा दिया जाएगा। कमलनाथ को गोली से उड़ा दिया जाएगा। इंदौर के डीसीपी आर के सिंह ने गुमनाम खत मिलने की पुष्टि की। सिंह ने बताया है, डाक के जरिए पत्र बीती शाम गुजरात सूट पहुंचा है। पत्र के अंत में रतलाम के भाजपा विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा गया है। गुमनाम खत में मिली धमकी और अन्य तथ्यों को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अज्ञात तत्व के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खत को पहली नजर में पुलिस शरारत मान रही है, लेकिन वो गंभीरता के साथ जांच पड़ताल भी कर रही है। बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले सप्ताह मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। पहले से यात्रा का 20 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। राहुल की यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार बुरहानपुर से ही यात्रा का प्रदेश में प्रवेश होगा। यात्रा 28 नवंबर को इंदौर में पहुंचेगी और यहां खालसा स्टेडियम में रुकेगी। याद दिला दें कि बीते सप्ताह खालसा कॉलेज में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पहुंचने पर सिख समुदाय के रागियों ने जमकर बवाल किया था। भारत जोड़ो यात्रा में आज महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा में तुषार गांधी शामिल हुए, वैसे भी इतिहास गवाह है। संकट में घिरे देश को बचाने गांधी नेहरू हमेशा साथ आए हैं। बता दें, महाराष्ट्र में जारी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कल ही सावरकर पर अंग्रेजों से माफी मांगने को लेकर निशाना साधा था, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी के साथ शिवसेना राहुल पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में माहौल गर्म है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट यानी बाला साहेबची शिवसेना की नेता वंदना सुहास डोंगरे ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। FIR में कहा गया है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सावरकर का अपमान हुआ है और इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने IPC की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिवसेना के शिंदे गुट के एक और नेता राहुल शेवाले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मांग की है कि महाराष्ट्र में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए। राहुल का बयान आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम में कहा था कि राज्य के लोग किसी भी सूरत में सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे भी राहुल के इस बयान पर आपत्ति जता चुके हैं। बता दें, राहुल गांधी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर के द्वारा जेल में रहते हुए अंग्रेजों को लिखी गई चिट्ठी पढ़ी थी। राहुल ने कहा, सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा था, सर मैं आपका नौकर बने रहना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के VD सावरकर को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने फिर से निशाना साधा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राहुल के इस बयान के बाद अगाड़ी गठबंधन में दरार पड़ने की भी चेतावनी दे दी है। संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर पर ऐसा आरोप लगाना न महाराष्ट्र को और न शिवसेना को मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता भी समर्थन नहीं करेंगे। ये मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी, इसे MVA यानी कि महाविकास अगाड़ी में भी दरार आ सकती है। इसके साथ ही राउत ने सावरकर को लेकर BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि हम 10 साल से उनको भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। केंद्र में BJP की सरकार होने के बाद भी वो उनको सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं?
क्या उनका सावरकर प्रेम नकली है? बीजेपी और आरएसएस के लिए वो आदर्श पुरुष कभी नहीं रहे, उनका सावरकर प्रेम नकली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आतंकी फंडिंग के खिलाफ नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कहा कि अलग अलग हमलों को लेकर प्रतिक्रिया की गंभीरता इस बात पर निर्भर नहीं हो सकती कि हमला किस जगह हुआ है। सभी आतंकी हमलों का समान तरह से विरोध और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ एक समान और जीरो टॉलरेंस का नजरिया ही आतंकवाद को हरा सकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को अपनी विदेश नीति की तरह समर्थन करते हैं, वो उनको राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता देते हैं। उन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण है कि ये सम्मेलन भारत में हो रहा है, जब दुनिया ने आतंक को गंभीरता से लेना शुरू किया उससे पहले से हमारे देश ने आतंक की भयावहता झेली है। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से आतंकवादियों ने भारत को अलग अलग रूपों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, हमने हजारों जानें खोई हैं, लेकिन हमने आतंक का साहस के साथ मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि एक हमला भी बहुत ज़्यादा है, जहां तक कि एक ज़िंदगी का जाना भी बहुत ज़्यादा है, तो आतंक के जड़ से उखड़ने तक हम रुकने वाले नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, समूह या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जा सकता है और ना ही जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का वित्त पोषण करना आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। अमित शाह नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर पर आयोजित एक मंत्री स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादी हिंसा करने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के लगातार नए तरीके खोज रहे हैं और अपनी पहचान को छिपाने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निसंदेह आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, लेकिन आतंकवाद का वित्त पोषण करना आतंकवाद से ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि आतंकवाद के मीन्स एंड मेथड को इसी फंड से पोषित किया जाता है। नो मनी फॉर टेरर पर आयोजित मंत्री स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर या बाधित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवादियों को शरण देते हैं। आतंकवादियों को शरण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा ही है। उन्होंने कहा कि ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के तत्व अपने इरादों में कभी भी सफल ना हों। शाह ने कहा कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है और ये सीमा पार से प्रायोजित है। भारतीय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को आतंकवादी हिंसा की घटनाओं से जूझना पड़ा है। बता दें, नो मनी फॉर टेरर कांग्रेस में दुनिया भर के 78 देश भाग ले रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान इसमें भाग नहीं ले रहा है। एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस 18 और 19 नवंबर यानी दो दिन तक चलेगी। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा कि वो जैस्मिन शाह को दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी DDDC के उपाध्यक्ष पद से हटाएं। ये आरोप लगाया गया है कि शाह ने अपने दफ्तर का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों के लिए किया है। बता दें, DDDC को दिल्ली सरकार का थिंक टैंक माना जाता है। एलजी ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि वो जैस्मिन शाह के DDDC के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। एलजी के आदेश के बाद सिविल लाइन इलाके के SDM ने गुरुवार रात को DDDC के दफ्तर को सील कर दिया। मालूम हो कि जैस्मिन शाह साल 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और 2018 में उन्हें DDDC का उपाध्यक्ष बनाया गया था। MCD चुनाव के बीच बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल का स्टिंग जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि इस स्टिंग के वीडियो में एक जूनियर इंजीनियर से रिश्वत मांगी जा रही है। स्टिंग जारी होने के बाद मुकेश गोयल ने कहा कि उन्होंने किसी से किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया और ये स्टिंग ऑपरेशन पूरी तरह फर्जी है। मुकेश गोयल कई बार पार्षद रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। वो लंबे वक्त तक दिल्ली कांग्रेस में भी रहे। स्टिंग की सत्यता की पुष्टि नहीं की गई है। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल दिल्ली नगर निगम के JEE से कह रहे हैं कि अगर तुझे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कामयाब होना है तो सुन ले, मेरा बिल्डिंगों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी वास्ता पड़ता है, जो मेरे टाइम पर JEE थे वो आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन चुके हैं। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल सामने बैठे JEE से कथित रूप से कहते हैं कि हम तो कमिश्नर की टेबल पर बैठकर कह देते हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ भी करेगा, सारा माल तुम ही रख लोगे तो हम क्या करेंगे। वीडियो में दिवाली के लिए इंतजाम करने की बात भी कही जा रही है। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल वीडियो में कहते हैं कि हमारी शामत आई हुई है, दिवाली आ रही है। इसके बाद स्टिंग में आवाज़ धीमी हो जाती है और आगे कहा जा रहा है कि 150 से ज़्यादा गिफ्ट बांटने होते हैं।
सामने बैठा अफसर कहता है कि थोड़ा कृपा दृष्टि रखो। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल कहते हैं कि डीसी ने तुझे भेजा होगा तो कुछ सोच समझकर ही भेजा होगा। मुकेश गोयल कहते हैं कि हम चबन्नी अठन्नी के आदमी नहीं हैं, हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं है। इस दौरान सामने बैठा शख्स जिसे जूनियर इंजीनियर बताया जा रहा है वो भी धीमी आवाज़ में अपनी बात रखता है। समित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी मुकेश गोयल का ये धन उगाही का स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी पार्टी के कट्टर करप्ट पार्टी होने का एक और प्रमाण है। बीजेपी के द्वारा स्टिंग जारी होने के बाद मुकेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो 35 से 40 साल से दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं और उन पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि एमसीडी के चुनाव में हार के डर के चलते बीजेपी अनाप शनाप आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा ये स्टिंग वीडियो और ऑडियो पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने 15 साल के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मेरी फर्जी क्लिप चलाई। 25 वर्ष तक निगम के कई पदों पर मैंने काम किया लेकिन कोई आरोप नहीं लगा। बीजेपी 15 सालों का एमसीडी के भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को चुनाव में अपनी हार दिखाई दे रही है, वो हमारी छवि खराब करने की प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। अब इस पद के लिए दिसंबर में चुनाव कराया जाएगा। पार्टी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने सहकर्मियों को पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने की जानकारी दी। पार्टी में वरिष्ठ सहयोगियों की कोशिशों के बावजूद फारूक अब्दुल्ला अपने फैसले पर कायम है कि वो अपने फैसले पर विचार नहीं करेंगे। पार्टी ने कहा कि सभी को हैरान करने वाली इस घोषणा को देखते हुए पार्टी संविधान के मुताबिक महासचिव को अध्यक्ष पद का चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ये चुनाव 5 दिसंबर को पूरे होंगे, तब तक फारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली की एक निचली अदालत ने अभियुक्त आफताब का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दे दिया है। साकेत कोर्ट ने अपने फैसले में रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को 5 दिनों के भीतर अभियुक्त का नार्को टेस्ट कराने के लिए कहा। पुलिस का कहना है कि चूंकि आफताब बार बार अपने बयान बदल रहा है इसलिए सही जाँच के लिए जरूरी है कि आफताब का नार्को टेस्ट किया जाए। बता दें नार्को टेस्ट एक तरह की झूठ पकड़ने वाली तकनीक है। ट्विटर की कमान अपने हाथ में लेने के बाद से ही एलन मस्क अपने फैसलों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। अब ट्विटर ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि कंपनी के दफ्तर को तत्काल प्रभाव और अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी स्टाफ को भेजे गए ट्विटर के मेल में कहा गया है कि ऑफिस 21 नवंबर सोमवार को खोला जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने ऐसा करने के पीछे की वजह नहीं बताई। बता दें इस महीने की शुरुआत में ही कंपनी ने कहा था कि वो अपने कुल स्टाफ में लगभग 50% तक की कटौती करने जा रहे हैं। एलन मस्क के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के बाद सैकड़ों ट्विटर कर्मचारियों ने ट्विटर छोड़ने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों ने 3 महीने के वक्त के साथ कंपनी छोड़ने का फैसला किया। दरअसल ट्विटर ने इस हफ्ते अपने स्टाफ को कहा था कि उन्हें अधिक घंटों तक काम करने की प्रतिबद्धता देनी होगी और उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, नहीं तो लोग कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने कहा कि अगर वो रुकना चाहते हैं तो उन्हें इसका वादा करना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग 17 नवंबर तक इसका इकरारनामा नहीं दे पाएंगे उन्हें 3 महीने का वक्त और कंपनी छोड़ने का मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं कर्मचारियों को ट्विटर छोड़ने की खबर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब एलन मस्क कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे थे उस दौरान ही जब 5 बजे तो कर्मचारियों ने जाना शुरू कर दिया जबकि एलन मस्क ने बोलना जारी रखा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही भारतीय टीम के प्रदर्शन के गाज सिलेक्शन कमेटी पर गिरी है। BCCI ने शुक्रवार को चेतन शर्मा के नेतृत्व वाली 4 सदस्यीय सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी भंग कर दी। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार चेतन शर्मा के कार्यकाल में भारत 2021 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्तर पर भी पहुंचने में नाकाम रहा था और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी टीम नाकाम रही थी। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।